बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जामे रशीद के इस खूबसूरत चमन में हमारे साथ दो खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं। नए तालीमी बोर्ड मजमा उल उलूम अल इस्लामिया के जो कानूनी मामलात हैं जितने भी, उससे मुल्हका मदारिस के बोर्ड के हवाले से दीगर उन तमाम कानूनी मामलात को जो टीम देखेगी, उस टीम के दो जिम्मेदारान इस वक्त हमारे साथ हैं। लाहौर हाई कोर्ट के नामवर वकला हैं दोनों हजरात माशाल्लाह। मेरे अगर मैं राइट साइड से शुरू करूं तो जनाब सरदार फैसल डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं यहां पे, और मेरे लेफ्ट साइड पे जनाब हाफिज सलमान आबिद एडवोकेट साहब मौजूद हैं। अब साहब आपको एक जिम्मेदारी, अब आपके पास मजमा उल उलूम अल इस्लामिया तालीमी बोर्ड के हवाले से भी है। मदारिस उमूमी तौर पर मुश्किलात में होते हैं, कभी थाना, कभी कचहरी, कभी फोर्थ शेड्यूल, कभी ये तो कभी वो। इस हवाले से थोड़ा सा आप से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक कानूनदान की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि मदारिस को वो कौन सी कॉमन मुश्किलात हैं जो तकरीबन हर मदरसा या हर दूसरा मदरसा फेस कर रहा होता है। हल की तरफ हम बाद में आएंगे। जो एक देखने में आया है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये जो प्रैक्टिकल जो हम देखते हैं, इस पर मदारिस को सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के हवाले से मसाइल होते हैं, उसके बाद उनका जो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं उनके मसाइल सबसे ज़्यादा होते हैं, और उसके अलावा जो है वो बहुत से शख्सी तौर पे जो मुहतमीन है या मुंतजमीन है उनको जो मसाइल वो सामने आते हैं, जिस तरह पुलिस की तरफ से या कोई फंडिंग का मामला हो तो वो FBR की तरफ से वो नोटिस वगैरह आ जाते हैं कि आपने इतना वहाँ पे फंड दिया और आप टैक्स कितना देते हैं। तो ये तकरीबन कॉमन मसाइल हैं मदारिस के। डॉक्टर साहब प्लीज़ कम फॉरवर्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मसाइल जिनका हफ साहब ने जिक्र किया, तकरीबन हर मदरसा इनको फेस कर रहा होता है, ये या कोई इंडिविजुअल चाहे मोहतम हो, नाजिम साहब हों, खतीब साहब हों उस मदरसे के, आप ज़ाहिर है एक तवील अरसा, एक अशरफ बड़ा अरसा होता है और इस तरह के बहुत सारे केसेज आपके सामने भी आए होंगे, आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है कि इन मसाइल से, यानी रजिस्ट्रेशन के जो मसाइल हैं, FBR के मसाइल हैं, फोर्थ शेड्यूल के मसाइल हैं, ये कितने सीरियस इश्यूज़ हैं और क्या इनका कोई हल है, या वाकई जो खौफ होता है इन मसाइल को लेकर, इनको सुनकर ही इवन, तो वो खौफ बजा है? मतलब खौफ कह लें या राय फरार कह लें, वो हल की तरफ नहीं जाना ना। अमूमी तौर पर गवर्नमेंट की, हुकूमती इदारों की, हुकूमत या रियासती इदारों की ये कोशिश होती है कि जो भी मुल्क में हो, रियासत में हो, उनको पता हो, जिस तरह वो स्टेशन ले के, स्टेशन से ले कर आगे मदारस चलाने तक, फंडिंग तक, खालों का मसला आ गया। हुकूमत ये नहीं चाहती होती कि ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन वो ये चाह रहे होते हैं कि हमें पता कौन कर रहा है, ये नहीं कि बिल्कुल नोटिफिकेशन आ गया, कुछ सर्कल जारी हो गया, प्रोहिबिशन हो गई कि खालें कोई इकट्ठी नहीं करेगा। वो कहते हैं कि जिसने करनी है वो प्रॉपर आए, प्रॉपर इजाज़त ले कर फिर काम करे। हुकूमत असल जो रियासत के अंदर मामला, जो मसला होता है ना, वो यही बनता है कि आप बगैर इजाज़त के, बगैर इतला के, गवर्नमेंट कहते हैं कि हमें इंटीमेट किया जाए, हम कहते हैं इंटीमेशन की तरफ ना जाए। अच्छा ये बताइए कि यानी अगर रजिस्ट्रेशन का मसला है मसला, तो ये रजिस्ट्रेशन का मसला ख़ास तौर पर जब लोग डेटा लेने के लिए मदारिस में आते हैं, हुकूमती इदारों के या फिर एजेंसीज़ के लोग, तो यहाँ एक तासर होता है मदारिस में कि पता नहीं ये डेटा लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे साथ, तो ये जो एक हसासियत है ये वाकईतन दुरुस्त है या डेटा देने में भी आपके नज़र में, आपकी नज़र में कोई हर्ज नहीं है इस हवाले से भी कुछ? नहीं, डेटा देने में मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। जो भी अब एक पहले से परसेप्शन बन जाता है कि जो बंदा आया ना, जो चेकिंग के लिए आया, किसी अदारे से आया, वो इसीलिए आया कि इनको शायद हमें बंद करने के लिए, हमारा अदारा बंद करने, वरना हर किसी की अपनी ड्यूटी, किसी प्रेमसिस में आता है उसके एक जुम्मे ड्यूटी होती है कि जाएँ चेक करके आएँ इस अदारे का मुतमिम कौन है, तलबा कितने हैं, असाज़ा कितने हैं, फंडिंग कितनी है, वो ये पेचीदगियाँ रिकॉर्ड होता नहीं, रिकॉर्ड मेनटेन अगर हो सारा, उनको आगे दे देंगे कि रिकॉर्ड सारा हमारे साथ ये मौजूद है, चेक कर लें, तलबा असाज़ा सारा रिकॉर्ड अगर मेनटेन हो ना, ज़्यादातर मामला बनते हैं रिकॉर्ड मेनटेन ना होने की वजह से। कोई ऐसा नहीं होता कि जो आता है वो आपका अदारा बंद करने के लिए आता है, वो इसलिए आता है कि आगे चलो पता चल जाए इधर क्या हो रहा है, उसने आगे उसकी भी जवाबदेही होती है, उसके साथ तौमन करना चाहिए, तौमन ये नहीं कि उसको वैसे उसे डर के भागना चाहिए, उसके साथ तौमन करना चाहिए और उसको लाइटली देख के, वो भी एक अदारे का कि मुलाज़िम ही होता। हाँ जी, अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बहुत शुक्रिया। हम थोड़ी वॉक लेंगे और चलते चलते कुछ बातें आपसे हम करेंगे। आप सब ये बताइए कि ये जो डोगर साहब ने बात की ना राह फरार वाली
ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जुमला बोला है। तो आप इस हवाले से बताइए कि मदारिस को कौन सा स्टेप लेना है इन मसाइल से अपने आप को बचाने के लिए? असल में देखने में ये आया है कि सबसे जो बड़ी वजह है इसकी वो एक लाइल्मी है। लाइल्मी जो भी मसाइल है ना, हम देखते हैं कारोबारी जो लोग हैं वो जब हमें किसी वकील की खिदमात वो लेते हैं वो पहले वो सारा मामला पूछते हैं, क्या है इसका हल, क्या होगा इस पे, ख़र्चा कितना आएगा इसमें, जो सारी चीज़ें वो पूछते हैं हमसे। मदारिस के हवाले से हमने देखा है कि वो मदारिस के जो मुंतज़िमीन या ये जो होते हैं मोहतमिमीन होते हैं वो उसकी गहराई में नहीं जाते। हर चीज़ का जो गवर्नमेंट कोई कानून पास करती है वो बिल्कुल मना नहीं करती, वो उसका हल बताती भी, पहले ये तरीका था अब ये तरीका होगा। जैसे शनाख्ती कार्ड हम बनवाते हैं, पहले तरीका और था अब तरीका बदल दिया। इस तरह मदारिस के हवाले से जिस तरह वो डोगरे साहब ने कहा कि सिर्फ वो तरीका चेंज किया उन्होंने, हम उससे परेशान हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मदारिस वालों को चाहिए कि रजिस्ट्रेशन की जो बातें हैं या जो भी हम आइन के तहत ये मदरसा कायम होता है, आइन ने हमें इजाज़त दी है। जब आइन ने हमें इजाज़त दी है कि हम एक इदारा कायम कर सकते हैं तो हमें उसके कवानीन का इलम होना चाहिए। और जब कोई पुलिस वाला आता है या एजेंसियां वाले आते हैं या FBI वाले आते हैं या बैंक वाले कोई बात पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से स्पेशल ब्रांच वाले या CTD वाले, वो मालूमात मांगते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस में तो गलत काम ही कोई नहीं हो रहा, यहाँ तो लोग बहुत बहुत गलत काम कर रहे हैं, करप्शन करते हैं, दो नंबरियाँ करते हैं। मदारिस में तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत वो सरंजाम दी जा रही है, बस थोड़ा उसको मुनज़्ज़म करने की इलम होना चाहिए। जब इलम होगा पहले समझ आएगी है क्या चीज़, फिर उसका हल भी मौजूद है, वो ख़ुद भी देख लें, समझ नहीं आती वो कला हमसे पूछ लें। और यही काम इंशाल्लाह हम जो हमारे मुल्हिक मदारिस होंगे उनको ये सारी चीज़ें हम फराहम करेंगे हर मौके। मुल्हिका मदारिस के लिए आपने बात की तो मैं सवाल कर लेता हूँ कि मुल्हिका मदारिस जो मजमा से मुल्हिका मदारिस हैं उनके लिए आपकी जो खिदमात हैं या आपकी जो सर्विसेज हैं वो क्या होंगी इस हवाले से? तो हमारी सर्विसेज ये होंगी जिस तरह कारोबारी इदारे हैं, कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वो एक कानूनी मुशीर रखती हैं। जहाँ जहाँ उनको कानूनी मसाइल सामने आते हैं वो एक पैनल रख लेते हैं, वो उसको हल करता है। हम भी इसी तरह मजमा उलूमुल इस्लामिया से मुल्हिक जितने भी मदारिस होंगे उनको जब भी कोई मसला दरपेश होगा रजिस्ट्रेशन के हवाले से, शख्सी आज़ादी के हवाले से, बैंक अकाउंट के हवाले से, फंडिंग के हवाले से, FBR में रिटर्न फाइल करनी है उस हवाले से, तो उसको हम मौके पर उनको मशवरा भी फराहम करेंगे। और जहाँ हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, हर जगह हमारा कोई ना कोई नुमाइंदा मौजूद होगा, हम उसको भेजेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ख़ुद भी जाएंगे। वो पुलिस से मामला हो, किसी और इदारे से हो, तो वो इंशाल्लाह हम हल करेंगे। फंडिंग के मसाइल उमूमी तौर पर मदारिस के लिए बड़ा एक चैलेंज होता है, उसको जस्टिफाई करना FBR में, तो उसके लिए स्पेसिफिक में अगर फंडिंग की बात करूं क्योंकि यहीं पे आके फंसते हैं असल मामलात सारे, उसकी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कानूनी तौर पे मदारिस को क्या करना चाहिए? असल में वो FBR वाले तो ये आपने इनकम आई कहाँ से आई, फिर खर्च कहाँ पे हुआ, वो पूरी एक रिपोर्ट बन जाती है। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि वो लाइल्मी में बार बार ये कह रहा हूँ, कानून के बारे में इलम ना होना वो सबसे बड़ी परेशानी है। जब वो इलम उसका जब हम वो पूछ लेंगे, पढ़ लेंगे कि वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। हम जब अपनी ज़ाती रिटर्न भी तो फाइल करते हैं, वो हिसाब देते हैं हम, इसी तरह कोई हम ज़मीन ख़रीदते हैं सारी मालूमात लेते हैं कितना टैक्स लगेगा कि हम वो पे करते हैं, तो इस तरह जब हम इदारा चलाएँगे तो हमें वो अपने सोर्स वो हम उनको बताएंगे। उसमें फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ मसाइल ऐसे भी आ जाते हैं वो कहते हैं जी हम ओपन नहीं कर सकते, पैसे देने वाले ने कहा है जी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो उसका भी हल मौजूद है। वो फिर ऑन एयर शायद बताना मुश्किल हो, वो मैं यानी कि हम जब ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़ाती मामलात की बजाय मदारिस के जो मामलात हैं, इज्तिमाई नज़म के जो मामलात हैं, उन पर इन हज़रात की जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल होंगी मजमा के मुल्हिका मदारिस के लिए। और ऑफ़ कोर्स जामेतुर रशीद का एक इम्तियाज़ है
कि वो हमेशा इस बोर्ड के बनने से पहले भी और इस बोर्ड के बनने के बाद ऑफ कोर्स उसकी जो जितने उसके यहाँ शोबाजात हैं, जितने उनकी सर्विसेज हैं, जो भी वन टू ऑल वो हर एक के लिए अवेलेबल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह जामत रशीद का ये मिजाज है। और आई एम श्योर कि अगर मजमा के साथ मुल्हका मदारिस ना भी हों, दीगर इदारे जो दीगर बोर्ड्स के साथ जिनका इल्हाक है या ऑलरेडी वो चल रहे हैं, उनको भी अगर कोई मुश्किलात या हल के लिए कोई ज़रूरत महसूस हुई तो मजमा हाजिर है उनके लिए और मजमा की तमाम सर्विसेज। देखने में ये आया मुशाहदे में कि गवर्नमेंट कोई भी कानून साजी करती है तो हम एक सोच कायम है कि ये मदरसे के ख़िलाफ़ है, ये मदरसे। एक रियासत जब कायम होती है, अल्हम्दुलिल्लाह रियासत पाकिस्तान का वजूद है, हम सब की आज़ादी पाकिस्तान के वजूद के साथ है, मदारिस पाकिस्तान के वजूद के साथ हैं। माशाल्लाह जामतुर रशीद कायम है, जामिया शफिया कायम है, दारुल उलूम कराची कायम है, जामिया बन, ये सब पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान की वजह से कायम है। बाकी तो आप जानते हैं, दुनिया में आप मिस्र में देख लें और जहाँ मदारिस को बंद करके गवर्नमेंट की तहवील में ले लिया गया, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रियासत की वजह से हम सब कायम हैं। तो रियासत की जिम्मेदारियों में एक ये भी जिम्मेदारी होती है कि हर काम का एक प्रोसीजर बताती है रियासत। जिस तरह एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई छोटे से छोटा कारोबार भी आपने करना है तो रियासत ने उसका एक प्रोसीजर बताया हुआ है। अब मदारिस तो बहुत बड़ा एक हिस्सा है रियासत का, तो इसके लिए भी तो गवर्नमेंट ने प्रोसीजर तो बनाने हैं ना, कैसे इसको तहफ़ रियासत जो कानून बनाती है वो आपका तहफ़ होता है, तो मदारिस के तहफ़ के लिए कवानीन बनते हैं। जब रियासत के मदारिस के तहफ़ के लिए कवानीन बने तो हमें उस पर फिर अमल करना चाहिए। रियासत एक चीज़ से मना करती है, हमें मना हो जाना चाहिए। रियासत एक चीज़ की हमें इजाज़त देती है, हमें उसके मुताबिक काम कर लेना चाहिए। और ये यानी कि जो एक आम तौर पे कायम है ना, एक हाँ ये एक परसेप्शन कायम है, मफरूज़ा एक कायम है कि जी हर काम ही वो मदारिस के ख़िलाफ़ है, जो काम करेगी कोई सारी हम, ऐसा नहीं होता। बहुत दफ़ा ऐसा होता, हमें ही उसका फ़ायदा होता है। फिर इसका एक और फ़ायदा, हम फंडिंग के हवाले से फर्ज ने बात करते हैं, अगर उसमें ऑडिट होता है उसका, देखें कितने सैकड़ों लोग मदारिस पे एतमाद करके वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए हमें देते हैं, तो हमें वैसे ही ऑडिट करवाना चाहिए उसका, ताकि कोई उसमें शफाफियत हो, वो सारी चीज़ें। तो यही गवर्नमेंट कहती है आप ऑडिट करवाएं, तो मसला कोई नहीं है। मसलन रियासत के साथ चलना पड़ेगा हमें, हाँ रियासत के साथ चलना पड़ेगा। रियासत कायम है तो हम सब कायम हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया दोनों मुआज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू आपने सुनी, जिस तरह बार बार ये चीज़ रिपीट हुई कि बॉस हम अपने पर्सनल मामलात के लिए भी तो चीज़ें मैनेज करते हैं, हर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। हमें घर बनाना है ना, उसका भी नक्शा पास होता है, उसके लिए भी ज़मीन के सारे मामलात और सारे कागजात वेरीफाई होते हैं और पूरी एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, तब जाके हम उस घर को बनाते हैं ताकि कल कला में कोई मुश्किल पेश ना हो। तो मदारिस तो पता नहीं कितने हज़ारों सैकड़ों बच्चों का वो घर होता है, असातिज़ा का वो घर होता है, और ज़ाहिर है वहाँ इतनी बड़ी खिदमत हो रही होती है उस एक चार दीवारी के अंदर, तो उसके लिए प्रोसीजर्स को फॉलो करना आई थिंक और वी थिंक, जो हम तीनों लोग यहाँ पे खड़े और इन हज़रात ने जिस तरह बताया कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये हमारी जो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या एज ए नेशन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें ये शामिल है। सो मैं डोगा साहब का, जनाब सलमान आबिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ JTR मीडिया उसको वक्त देने के लिए, और जामत रशीद में इस वक्त मौजूद हैं, इन हज़रात की तशरीफ़ आवरी का और इस गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात हुई अगले सिलसिलों में इंशाअल्लाह अज़ीज़, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।